Hello friends, this is Shweta and welcome back to my channel. Today I am going to make cabbage roasty. So let's get started. रोस्टी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बोल ले लिया है. इसमें मैं ऐड करूँगी 1 cup ऑफ श्रेडेड कैबेज, 1/2 cup ऑफ चॉप्ड अनियन, 1/2 cup ऑफ कोरिएंडर लीफ, फाइनली चॉप्ड जिंजर एंड ग्रीन चिली, 1/2 cup ऑफ ग्राम फ्लावर, 1/2 cup ऑफ कॉर्न स्टार्च, 1 teaspoon ऑफ सॉल्ट, 1/2 teaspoon ऑफ पेपर पाउडर. Now mix it. इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे. 1 tablespoon वाटर ऐड करेंगे. मिक्स करके और हम 5 minutes के लिए कवर करके छोड़ देंगे. After 5 minutes ये जो हमने मिक्स करके रखा था वेजीज को, ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए. बिल्कुल भी वाटरी नहीं होनी चाहिए. अगर हम इसमें ज़्यादा वाटर ऐड कर देंगे तो फिर ये जैसा बेसन का चिल्ला बनाते हैं उस तरह का उसमें टेस्ट आएगा. तो गर्म कर लिया है. ऑयल, घी या बटर अप्लाई करें उसकी हेल्प से. इसे हमें इसे ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, छोटा छोटा पैनकेक के साइज का बनाना है. इसको फ्लिप करके देखेंगे. वाओ, लुक एट द कलर, कितना क्रिस्पी लग रहा है ना. अंदर से ये खाने में सॉफ्ट ही होगा लेकिन ऊपर से कॉर्नफ्लावर की वजह से ये क्रिस्पी लग रहा है. मैं इस पे थोड़ा सा ब्रश से बटर लगा दूंगी. हमारा कैबेज रोस्टी अब रेडी है. आप इसे केचप या चटनी किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं. मुझे ये ग्रीन चटनी के साथ अच्छी लगती है. तो आप भी अपने घर में इसे ट्राई करें. आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं. और आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. बाय.